अच्छा, तो डाउनफॉल हो गया हमारा। नेक्स्ट है जी, पेन इज टू सिडेटिव। सिडेटिव मतलब वो जो मेडिसिन हम खाते हैं ना पेन की, उनको सिडेटिव कहते हैं। सुकून आवर दवाएं, ठीक है, वो जो सुकून आवर दवाएं होती हैं उनको सिडेटिव कहते हैं जनरल मीनिंग में। तो पेन हुआ, सिडेटिव खाए, मतलब रिलीव लेना ना। ग्रीफ, जब गम होता है तो कोई तसल्ली दे दे तो गम खत्म हो जाता है, तो ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, बाकी क्या है वो देख लेते हैं। कंफर्ट स्टिमुलेंट, ये नहीं हो सकता। कंफर्ट मतलब सुकून, स्टिमुलेंट मतलब मोहरिक, इसका कोई आपस में रिलेशन नहीं है। ट्रांस नार्कोटिक, ट्रांस कहते हैं जिस तरह वो कोई सहर वगैरह तारी कर देता है या मदहोशी तारी कर देता है उसको कहते हैं। और नार्कोटिक्स, ठीक है, अगर आप मेडिसिन लेते हो तो आप पर मदहोशी तारी हो जाती है, लेकिन ये यहाँ पर किसी चीज की ट्रीटमेंट नहीं हो रही, ठीक है ना। ये इसका असर बता रहा है नार्कोटिक्स का, लेकिन किसी चीज का इलाज तो नहीं बता रहा ना, तो ये पेयर नहीं बनता। एक और एक्सट्रैक्शन, एक मतलब दर्द, एक्सट्रैक्शन मतलब कोई चीज निकालते हैं, दांत वगैरह निकालते हैं तो दर्द होता है, तो ये एक और एक्सट्रैक्शन ये उसका रिजल्ट बता रहा है, ये सोल्यूशन नहीं बता रहा। याद रखें, पेपर से एक दिन पहले भी मैं डिस्कस करूंगा इस तरह के एमसीक्यू जो आपको लग रहा है यार क्या अजीब गरीब लफ्ज दिए मैं अभी, जिस तरह पहले आया था ना, कौन सा था ये 70 वाला, बुल इज टू कॉ डू बनी स्टैलियन। मुझे पता है यहाँ पे कोई पीएचडी इंग्लिश नहीं बैठा होगा, क्या मुश्किल से। अब हॉर्स पढ़ते आ रहे हैं, स्टैलियन कभी पढ़ा है? रोस्टर कभी पढ़ा है? कुक के लिए, मुर्गे के लिए रोस्टर, ये जो हम नो कहते सर, हैं ना भाई रोस्ट, रोस्ट बना दिया, ये असल में वो रोस्टर से निकला है, मुर्गे के गोश्त के रोस्ट बनाते हैं ना, तो ये उससे निकला हुआ एक्चुअली। तो आपने ऐसे सेंट ऐसे जो क्वेश्चंस आए ना उस पर लानत भेज के आगे निकलना है, टेंशन नहीं लेनी, कुछ नहीं होता, जो करेगा वो नंबर कटवाएगा अपना, ठीक है, 0.25 मार्क्स उसके एक्स्ट्रा कट जाएंगे, कुछ नहीं होता। ये मुश्किल सवाल होते हैं ऐसे, ये सिर्फ आपको पागल बनाने के लिए, आपको प्रेशराइज करने के लिए होते हैं। मेरी बात सुने, ये जो टेस्ट होते हैं ना कंपटीशन के, कमीशन के, ये बहुत बड़ा एग्जाम है पंजाब का, ठीक है ना। जब कोई कहता है ना कि मैंने पीपीएससी को क्वालिफाई किया, तो दूसरे हैरान हो गए, अच्छा यार इसने कमीशन का एग्जाम पास किया, ये बहुत बड़ा एग्जाम होता है। इसमें आपके नर्व्स का टेस्ट हो रहा होता है, याद रखना। आप कितना हौसला रख सकते हो मुश्किल कंडीशन में, ये आपके नर्व्स का टेस्ट है। इसको छोड़ो, मुश्किल है, लास्ट वाला देखें, कुछ समझ आ रहा है? ट्रांस का किसी को पता है? एक्सट्रैक्शन का ज्यादातर को नहीं पता होगा, ठीक है जी। तो इन चीजों का नहीं पता, इसका अंदाजा हो सकता है, जैसे पेन, अब सिडेटिव का नहीं पता लगेगा आपको, छोड़ दो इसको, कोई मसला नहीं। हाँ, अगर ये पढ़ा हुआ है और सेम आ जाए तो फिर तो छाप देना ना जाके। आ गया जी, कैरी ऑन, बहुत आसान है, जारी रखो जी, कैरी ऑन। कैरी ऑन मतलब कंटिन्यू रखना। वी आर वेटिंग डैश द रिजल्ट, वेटिंग फॉर द रिजल्ट, प्रेपोजिशन है, ठीक है, प्रेपोजिशन है। वेटिंग के साथ क्या आता है? फॉर, ठीक है। अफ्रेड के साथ क्या आता है? ऑफ, ठीक है, अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स, वेटिंग के साथ फॉर। प्रोस एंड कॉन्स, अच्छे बुरे नताइज, अच्छे बुरे, जो फेवर में हो जो अगेंस्ट हो, किसी भी तरह आ सकता है। फॉर एंड अगेंस्ट अ थिंग, किसी चीज की तरफ जाए उसके हक में, फॉर का मतलब है उसके हक में और उसके अगेंस्ट, तो वो चीज होता है फॉर, प्रोस एंड कॉन्स, तो इसका राइट आंसर यही है। फाउल एंड फेयर नहीं हो सकता। फार्मर और लेटर का मतलब है पिछला और अगला, गुड एंड इवल नहीं, ठीक है, गुड एंड इवल अलग चीज है। प्रॉस एंड कॉन्स किसी चीज के हक में है, और इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते हो वैसे, गुड एंड इवल और फर्स्ट, और फर्स्ट ए में और डी में कंफ्यूज होते हो, लेकिन फार एंड अगेंस्ट अ थिंग, एक चीज के हक में, एक चीज के या उसी चीज के मुखालिफ में, ये आंसर ठीक है। स्कैर्सली, SCARCELY, स्कैर्सली मतलब बहुत कम, शॉर्टेज हो गई, सिमिलर वर्ड है, इस पे भी ध्यान रखना। एंटोनिम पूछ रहा है कि सिनोनिम पूछ रहा है? सिनोनिम पूछता है, फॉरन एंटोनिम पूछ लेता है। स्कैर्सली मतलब शॉर्टेज हो गई है। विर्चुअली छोड़ दो, नाइसली बहुत अच्छे हो गई, हार्डली,
एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली तो शिद्दत से होता है ना, हार्डली इसका सही आंसर है। आप ने अगर कोई से, मैंने शायद कहीं, आप जो पुराने स्टूडेंट्स हो जिनको मैंने इंग्लिश के लेक्चर दिए थे, तो ये मैंने एक्सप्रेशन बताया होगा आपको, हार्डली शी केम, अभी वो आई थी के द रेन वॉज स्टार्टेड। तो हार्डली या स्केर्सली एक दूसरे के सिनोनिम के तौर पे यूज होते हैं, स्केर्सली हार्डली। अच्छा जी, प्रोफ्यून, प्रीफ्यूजन, इसका ऑपोजिट बताना है। अब प्रीफ्यूजन क्या होता है? अच्छा वैसे मुझे इसका नहीं पता लगा एक्चुअली, इसको मैं पढ़ाता ही नहीं हूँ, खुद ही सर्च कर लेना। मैंने काफी सर्च किया, मुझे नहीं समझ आया। एक तो ये वर्ड ही डिक्शनरी में नहीं है, वो डिक्शनरी में वर्ड मिलता है PERFUSION, परफ्यूजन, तो मुश्किल था। बहरहाल मैंने इसको फिर थोड़ा बहुत सर्च भी किया लेकिन ज्यादा नहीं कर पाया, इसको छोड़ देता हूँ। वेलकम योर फ्रेंड, इसका पैसिव बनाए जब भी, ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं कि वेलकम कर रहे हैं, वेलकम योर फ्रेंड, तो लेट का इस्तेमाल होता है, ठीक है, लेट का इस्तेमाल होता है, वेलकम योर फ्रेंड, लेट योर फ्रेंड बी वेलकम्ड। अच्छा यहां पर लेट भी इस्तेमाल होता है क्योंकि पैसिव है, तो बी भी इस्तेमाल होगा क्योंकि लेट वाले तो परमिशन के भी तो होते हैं ना, लेट मी गो, लेकिन पैसिव की निशानी इसमें यह है कि बी का इस्तेमाल आता है, बी का। अच्छा जब बी का इस्तेमाल आएगा तो मुझे बताएं कि बी के बाद कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट सेकेंड या थर्ड? जी गुड, शाबाश सोनिया, हिस्ट्री आती है आपको, इसका मतलब इंग्लिश नहीं आती। चले कोई बात नहीं जी, ये बड़ा करेज होता है कि कोई आंसर तो करता है चाहे गलत ही सही, जो गलत आंसर करता है उसी को तो सही का पता लगेगा ना। सेकंड भी गलत, थर्ड आती है, थर्ड, लेट योर फ्रेंड बी वेलकम्ड। अच्छा लेट तो आएगा इस तरह के सेंटेंस में ना, वेलकम योर फ्रेंड, वो वेलकम कर रहे हैं, ग्रीटिंग्स हैं ये, तो लेट योर फ्रेंड बी वेलकम्ड यूं आना चाहिए। मे नहीं आ सकता, आर नहीं आ सकता, यहाँ पे लेट नहीं है, इसको काट दो, इसको काट दो, लेट योर फ्रेंड बी वेलकम्ड, ये ठीक है, थर्ड फॉर्म वाला, ठीक है। इसके आप तीन चार फिक्रे करोगे ना तो ये हो जाएंगे। इडियम, अ बी इन वन बॉनेट, अ बी इन वन बोनेट, इसका सही, इसका आंसर क्या है? ये इडियम है तो इसका मतलब क्या है? बी ऑब्सेस्ड विद एन आइडिया, बी ऑब्सेस्ड विद एन आइडिया, यानी कि कोई आइडिया जहन में आया वगैरह वगैरह। अच्छा इसके ऑप्शंस देखें, पहली बात तो ये इडियम है, अब बी इंतहाई आसान हो जाता है, अब बी इन वन बोनेट इडियम है। कल हमने, कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इडियम कुछ ऐसा होता है इंग्लिश में कि एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें विद इन द लाइन्स कुछ और बात होती है, वर्ड कुछ और होते हैं। याद रखें, अब बी इन वन बोनेट में इसका मतलब ये हुआ, इसके ऑप्शंस में बी तो नहीं आएगा ना कहीं, कोई और बात हो रही होगी। देखें गौर करें, टू ईट हनी, शायद खाना, नहीं ये तो वो बात नहीं हो सकती ना कोई बात राज की है अंदर। टू बी बिटन बाय ए बी, मक्खी ने उसको काट लिया। टू कैच अ बी, मक्खी पकड़ ली, नहीं भाई मक्खी शहद इन सबसे हटके कोई बात होनी है, तो फिर क्या होनी है? तो बी ऑब्सेस्ड विद एन आइडिया, बात समझ आई है? इस तरह के ऑप्शंस होते हैं, अगर आपने उसको पिक कर लिया, यही इसी चीज को तो एक्सपीरियंस कहते हैं। फिर आप जब गैस भी करते हो ना तो जाकर ठा करके लगता है, जो इन एक्सपर्ट होता है वो उसका गैस गलत होता है। इसीलिए तो जो एक्सपीरियंस्ड स्टूडेंट्स होते हैं वो जाते हैं पेपर में मुंह उठा के बगैर तैयारी के, रिवाइज किए और अंदाजा लगा के दे आते हैं, उनका तजर्बा उनको उनको फेवर करता है। फाइंड द करेक्ट एनालॉजी अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंगली, कोर्ट इज टू जज, ठीक है। अब ये रिवर्स है, जज कहाँ बैठता है? कोर्ट में। कोर्ट में कौन बैठता है? जज बैठता है। अब ध्यान से देखें, हॉस्पिटल में कौन बैठती है? नर्स, हो सकता है ये, हो सकता है। लाइब्रेरी में कौन बैठता है? बुक बैठती है, नहीं गलत है। किचन में कौन बैठता है? शेफ, ये हो सकता है। कुशन और सोफा, ये नहीं हो सकता, इनको काट दें।
इसको काटते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन रह गए ए या सी। जनरली क्या होता है, देखें किचन में कौन बैठता है, शेफ। हॉस्पिटल में कौन बैठता है, नर्स। तो लेकिन हम हॉस्पिटल में ज्यादातर, क्योंकि उसमें पूरा स्टाफ होता है, ठीक है, नर्स भी होती है, डॉक्टर भी होते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी होता है, ठीक है, लेकिन किचन में अगर जो भी खड़ा होगा तो वो शेफ ही खड़ा होगा ना, एक होगा, दो होगे, तीन होगे, अलग बात है, लेकिन ज्यादातर वो क्या होगी, शेफ होंगे। तो इसका जो ज्यादा नियर है ना पेयर, वो किचन और शेफ है। ठीक है, समझ आ रही है बात की। यस सर। नेक्स्ट है जी, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ टिल। कहते हैं कि टिल क्या है। द स्टोर इज ओपन फ्रॉम 9 AM टिल 6 PM। ये बेसिकली क्या है, प्रपोजिशन है। टिल, अनटिल, टिल ज्यादा यूज होता है फॉर्मली। तो टिल जो है वो प्रपोजिशन है, कंजंक्शन नहीं है, प्रोनाउन नहीं है। प्रोनाउन ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, एडवर्ब एक अलग चीज है। कल वाले जो, ठीक है, मैंने लेक्चर थे उसको आप कोशिश करना, टाइम एडजस्ट हो उनको सुन लेना, रिकॉर्डिंग है तो आप थोड़ी वॉइस तेज करके सुन लेना, ठीक है। 5 तरह के एडवर्ब बताए थे मैंने, वो आप देख लीजिएगा। चलें, बल्कि हम 7:30 बजने वाले हैं, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, बस ये देखें। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, क्या है, प्रोवर्ब है, इडियम है। हाँ जी, सरिडियम प्रोवर्ब है। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, बहादुरों को नसीब भी जो है ना सपोर्ट करता है, इस तरह का मतलब है। बस ये आज में यही है बस।